नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त होंगे। टॉपिक हमारा नदियों का है। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे नदियों को, भारत की प्रसिद्ध नदियां जो कि राज्य पूछे ही जाते हैं हमेशा पुलिस के पेपर में, या उनकी सहायक नदियों के विषय में मैं बात करूंगा, है ना। इस क्लास का पूरा लगभग नदियों का निचोड़ है। दूसरा पार्ट भी हम पढ़ा देंगे आपको, है ना। दोनों पार्ट में चर्चा करेंगे। पहला ए पार्ट है, इसे आप देख लीजिए। इससे मुझे लगता है कि यहीं से आपकी जो भी नदी आनी होगी वो इससे बाहर नहीं जाएगी इस क्लास से, है ना। क्योंकि नदियों को टॉपिक में रखा गया है। नदियों की उत्पत्ति आ सकती है, उनकी सहायक नदियाँ आ सकती हैं, उनका जल ग्रहण क्षेत्र भी आ सकता है, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नदियों से बहुत प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं ज्योग्राफी में या भूगोल में। तो अंत तक वीडियो में बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बिल्कुल निःशुल्क हम आपके लिए सेवाएँ दे रहे हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को, ठीक है। तो अंत तक बने रहें वीडियो में। तो देखिए, टॉपिक डाल लेना भारत की प्रसिद्ध नदियाँ। तो पहला पॉइंट है, भारत में यरलुंग जंगबो, ये नदी का नाम है एक पूरा, यरलुंग जंगबो के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? यरलुंग जंगबो भी बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, है ना। ये नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का, नोट कर लेना। और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है? मानसरोवर झील से। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया हमें ये और बता दो गुरुजी कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, नोट कर लेना। मानसरोवर झील बोले तो कहाँ पे? तिब्बत में, तिब्बत से निकलती है ना, नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है, पश्चिम में बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पश्चिम दिशा में बहने वाली, मध्य प्रदेश से निकलती है जी, पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा और ताप्ती, दोनों नदियाँ हैं। कौन सी दिशा में बहती हैं भारत में जी? पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी हैं दोनों। पहली नर्मदा है और दूसरी ताप्ती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। पहली ये है और दूसरी ताप्ती है, या इसे तापी नदी कहते हैं। पश्चिम में बहने वाली रिफ्ट वैली बनाती हैं जी, रिफ्ट घाटी से होकर के बहती हैं दोनों नदियाँ। कौन सी घाटी से? रिफ्ट वैली से, इसे हिंदी में बोलते हैं भूभ्रंश घाटी से होकर के दोनों नदियां बहती हैं और खम्भात की खाड़ी में गुजरात के पास गिर जाती हैं, एस्चुरी बनाते हुए। दोनों ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, दोनों क्या बनाती हैं? एस्चुरी, ये इंग्लिश का वर्ड है। इसे हिंदी में बोलते हैं ज्वार नद मुख, मतलब पानी जब गिरता है सागर के अंदर तो इस तरीके की आकृति बना देता है जैसे ज्वार नद मुख, मतलब जहाँ पे ज्वार वाटे की स्थिति ज़्यादा रहती है समुद्र में, वहाँ पे ये इस तरीके की आकृति बनाती हैं जैसे नद मुख, जैसे नाद होती है ना जो एनिमल्स को, पशुओं को पानी पिलाने वाली जो आकृति होती है इस तरीके से गोल, इसी प्रकार का एक आकृति बनाती हैं ये दोनों नदियाँ, इसलिए बोलते हैं एस्चुरी बनाती हैं, है ना, खम्भात की खाड़ी में गिरती हैं, नोट कर लेना। तीसरा पॉइंट लिया हमने ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में, तिब्बत में क्या बोलते हैं इसको? सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में वहाँ के लोग, वहाँ के निवासी, वहाँ की जनता जिस हिस्से में होकर के, तिब्बत के पठार के हिस्से में होकर के बह रही है, सांगपो बोलते हैं वहाँ पे। क्या बोलते हैं? सांगपो। अगला प्रश्न है, दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। कौन सी नदी को कहा जाता है? कावेरी को, सॉरी, दक्षिण की गंगा किसे बोलते हैं? कावेरी को बोलते हैं, ना, ये नोट कर लेना। कावेरी कर्नाटक से निकलती है। कावेरी नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है भाई साहब? कर्नाटक राज्य से कावेरी नदी की उत्पत्ति होती है, इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तवा, तवा एक सहायक नदी है, तवा एक सहायक नदी है जो MP से ही निकलती है, और ये तवा किस में मिलती है? नर्मदा की सहायक नदी है, नोट कर लेना। कौन सी नदी की? नर्मदा की सहायक नदी है तवा नदी, मध्य प्रदेश की। नर्मदा पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है भारत की, ठीक है। अगला पॉइंट है, नर्मदा नदी या नर्मदा घाटी विंध्याचल और सतपुड़ा, इन दोनों के मध्य में, विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में बहती है। ये प्रश्न कई बार छपा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला इसके उत्तर में है और सतपुड़ा दक्षिण में है। सतपुड़ा कहाँ पे? दक्षिण में, और विंध्याचल उत्तर में है। तो दोनों के मध्य में बहती है नदी, कौन सी बहती है दोनों के मध्य में? नर्मदा नदी, ठीक है। और भारत में सबसे पहले मानव के अवशेष, मानव के प्रमाण, व्यक्ति के यदि कहीं प्रमाण मिले तो नर्मदा घाटी में मिले थे, इसी नदी के घाटी में मिले थे, नर्मदा घाटी में भारत में, और दुनिया में अफ्रीका में मिले थे, ठीक है। अगला पॉइंट है, कृष्णा नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र में, ठीक है, ये नोट कर लेना। राज्य महाराष्ट्र आएगा और जगह का नाम महाबलेश्वर आएगा। अगला पॉइंट है, गोदावरी नदी
नासिक, अगर शहर आ जाए तो कहाँ से निकलती है, नासिक से त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, नासिक में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से महाराष्ट्र, ठीक है ये नोट कर लेना। कौन से राज्य से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है। कौन सी नदी, गोदावरी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है भाई साहब, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, और सबसे बड़ा इसका जल क्षेत्र है वो तो हो गई, जल संग्रहण क्षेत्र भी क्या है इसका, सबसे बड़ा है गोदावरी का। अगला पॉइंट है भाई साहब महानदी की उत्पत्ति, महानदी सिहावा की पहाड़ियों से निकलती है, कौन से राज्य से, छत्तीसगढ़ से। महानदी की उत्पत्ति होती है सिहावा की पहाड़ियों से छत्तीसगढ़ में, ठीक है भैया। अगला पॉइंट लिख लेना महानदी, और इसकी एक सहायक नदी है, बहुत प्रसिद्ध सहायक नदी है तेल नदी, एक तेल नदी है जो कि उड़ीसा के पास में इसमें मिलती है, इसकी सहायक नदी है ये तेल नदी, है ना। और भारत का अथवा विश्व का सबसे लंबा बांध इसी नदी पर है, और उस बांध का नाम है हीराकुंड बांध, है ना, संबलपुर जिले में उड़ीसा में। दामोदर छोटे नागपुर के पठार से निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटे नागपुर के पठार से, और इस नदी को क्या बोलते हैं, कोयला नदी भी कहते हैं, दामोदर नदी को कोयला नदी भी कहते हैं, और सबसे प्रदूषित नदी भी पढ़ लेते हैं इसको, है ना, चूंकि कोयले की वजह से इसका पानी कैसा हो जाता है, उसी हिस्से में बहती है, प्रदूषित हो जाता है ना कोयले के प्रदूषण की वजह से, तो दामोदर सबसे प्रदूषित नदी भी पड़ी जाती है ना। कहाँ से निकलती है, छोटे नागपुर के पठार से, और छोटे नागपुर का पठार कर्क रेखा निकलती है इसके बिल्कुल बीचों बीच से होकर के, और कोयले उत्पादन के लिए फेमस है जी, भारत का रूर इसे कहा जाता है, छोटे नागपुर के पठार को क्या बोलते हैं, भारत का रूर। अगला पॉइंट है गहरी खड्ड भूमि, मतलब गहरी गहरी खाइयाँ बना देता है पानी, पानी उसके अंदर आसपास के हिस्से के अंदर जैसे जैसे नदी का पानी बहता है, तो गहरी खड्ड भूमि के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सी नदी है, चंबल नदी, चंबल नदी बहुत प्रसिद्ध है ना जी। अवनलिका अपरदन के लिए भी फेमस है, लिख लेना कौन सा अपरदन, अवनलिका, गहरी गहरी खाइयाँ, इसे अवनलिका अपरदन भी बोलते हैं। अपरदन का मतलब होता है मिट्टी को बहाव काट ले जाना साथ में, है ना, ये नोट कर लेना। दक्षिण भारत की नदियों का जो अपवाह तंत्र है ना, जो दक्षिण भारत की नदियाँ वो कैसी बहती हैं, वृक्षनुमा आकृति के हिसाब से बहती हैं, जैसे पेड़ होता है, ये पेड़ हो गया इस तरीके से, ऐसे तो पेड़ होता है, तो इसी आकृति के आधार पर बह रही हैं दक्षिण भारत की नदियों का जो आकृति है, शेप है, वो वृक्षनुमा है, मतलब वृक्ष के आधार पर, ये नोट कर लेना है ना, वृक्षनुमा बोलते हैं दक्षिण भारत की नदियों का। अगला है नर्मदा और ताप्ती, कहाँ से निकलती हैं, मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती हैं, अमरकंटक से निकलती हैं ना, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। अगला पॉइंट है एमपी में पूर्व से पश्चिम, मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं, और कौन सी दिशा से, पूर्वी, पूर्व दिशा से, कौन सी दिशा में जाती हैं, पश्चिम में जाती हैं। एमपी से निकलकर पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में जाने वाली कौन कौन सी नदी हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही, ये तीन नदी हैं, तीनों को नोट कर लेना। मध्य प्रदेश से निकलती हैं तीनों, पूर्वी दिशा से निकलती है मध्य प्रदेश में, कौन से हिस्से से, पूर्वी हिस्से से, लेकिन बहती कौन से हिस्से में, पश्चिम में बहती हैं, पश्चिम दिशा में जाती हैं, तीनों एमपी से निकलती हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही। माही वो नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, है ना। अगला पॉइंट है दक्षिण भारत में सबसे बड़ा जल क्षेत्र कौन सी नदी का है, दक्षिण भारत में सबसे बड़ा जल क्षेत्र गोदावरी नदी का है, कौन सी नदी का है, गोदावरी नदी का, दक्षिण भारत में। अगला पॉइंट है कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से निकलती है, और राज्य कौन सा आएगा, कर्नाटक। कावेरी नदी की उत्पत्ति ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से, कर्नाटक राज्य से होती है, ठीक है। कावेरी नदी जिसे दक्षिण की गंगा बोलते हैं, पवित्रता के आधार पर, किस आधार पर, पवित्रता के, एकमात्र ऐसी नदी है कावेरी जो जैसे रास्ते में बहती है ना कर्नाटक से निकल के, तो अपने ही रास्ते में इसकी धारा तीन बार अलग अलग हो जाती है, और फिर एक होती है आपस में मिलती है बाद में जाकर के, मतलब तीन धाराओं में बढ़ जाता है इसका पानी, सिर्फ एकमात्र नदी है दक्षिण भारत की कावेरी, ये नोट कर लेना, ठीक है। इसी नदी पर एक जलप्रपात भी स्थित है, वो कमेंट बॉक्स में बताओ कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। सतलज नदी राकस्थल से निकलती है तिब्बत से, कहाँ से निकलती है सतलज, राकस्थल तिब्बत से निकलती है सतलज नदी, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं झेलम नदी की उत्पत्ति वैरीनाग या शेषनाग की पहाड़ियों से, जम्मू कश्मीर से होती है। वैरीनाग या शेषनाग की पहाड़ियों से जम्मू कश्मीर राज्य से होती है कौन सी नदी, झेलम नदी की उत्पत्ति, जो कि सिंधु की सहायक नदी है। झेलम किसकी सहायक है भाई साहब, सिंधु की सहायक नदी है ना, झेलम सबसे पहली सहायक नदी है झेलम, ये नोट कर लेना। रावी और व्यास रोहतांग दर्रे से निकलती हैं कौन से राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रे से हिमाचल प्रदेश से निकलती है रावी और व्यास, दोनों नदियां निकलती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है यमुना जी
गंगा के दाहिने तट की सहायक नदी है। ये तट भी याद कर लो, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया, इसे अगर पूछेंगे तो बच्चे गलत कर जाएंगे, है ना। चूँकि आमतौर पर बच्चे इस चीज़ को तैयारी नहीं करते, और सारे यूट्यूबर्स भी आपको नहीं पढ़ा रहे होंगे जो बड़े बड़े करोड़ों रुपए ले लिए होंगे उन्होंने, है ना, कोर्स बेच बेच के कौन से बाएं तट से मिल रही है, कौन से दाहिने तट से मिल रही है। आप हमारी कॉन्सेप्ट वाली क्लास में जाओ, बाएं और दाएं दोनों मिलेंगे आपको, है ना, डिटेल्स में पढ़ा रखी है सारी चीज़ें अच्छे से। तो यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है भारत की, ठीक है, गंगा की सहायक नदी है, गंगा में दाहिने तट पर आकर के मिलती है ना, कौन से हाथ पे, सीधे हाथ पे आकर के मिलती है ना, गंगा के समानांतर बहती है यमुना जी। और कहाँ से निकलती है, बंदरपुच की पहाड़ियों से, उत्तराखंड से। और गंगा जी भी कहाँ से निकलती है, गौमुख से निकलती है, उत्तराखंड में ही, ठीक है जी। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे, घाघरा, गंडक और कोसी, ये तीनों नदियों का नाम सुना होगा, तीनों नेपाल से निकलती हैं। घाघरा, गंडक और कोसी तीनों कहाँ से निकलती हैं, लिख लेना, तीनों नेपाल से निकलती हैं, ये लिख लेना। नेपाल में अलग अलग जगहों के नाम हैं जो मैं पढ़ा चुका हूँ। घाघरा को क्या बोलते हैं नेपाल में, कर्णाली बोलते हैं, है ना, कर्णाली के नाम से जानी जाती है जी नेपाल में। जब इधर यूपी में आ जाती है तो घाघरा के नाम से, सरयू के नाम से भी जानी जाती है जी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा गंडक है, कोसी, तीनों नेपाल से निकलती हैं। और गंगा की कैसी है सहायक नदियाँ, कौन से तट की, बाएँ तट की, गंगा के बाएँ तट की सहायक नदियाँ हैं तीनों। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी, बड़ी का मतलब है पानी के आधार पर, जल के आधार पर, जो जल ग्रहण क्षेत्र है एक नदी का वो सबसे ज़्यादा है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी यही है, नोट करके लिख लेना। घाघरा सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा जी की, ठीक है, नोट कर लेना बाकी के दोनों। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा को किस किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं और गंगा को पद्मा कहते हैं, ठीक है जी। बांग्लादेश में गंगा जी को पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। जब ये दोनों मिलती हैं आपस में, ये दोनों धारा मिलती है ना एक जगह आपस में, इन दोनों को अगर चाहो तो जैसे ये बह करके आई यहाँ पे और पद्मा बह करके गई, दोनों मिल गई, और दोनों मिलने के बाद इस तरीके से गिरती हैं और क्या बनाती हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बना देती हैं, इस तरीके से डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं ये। और यहाँ से इस नदी का नाम पड़ता है मेघना, जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो मेघना के नाम से जानी जाती हैं। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं सुंदरबन का डेल्टा, काय का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में, ये नोट कर लेना, ठीक है जी। अगला पॉइंट, पूर्णा नदी, वर्धा नदी, प्राणहिता, वेनगंगा और पेनगंगा, ये सभी सहायक नदियाँ हैं, कौन सी की, गोदावरी की, गोदावरी की सभी सहायक नदियाँ हैं जी, है ना, जिसमें प्राणहिता सबसे बड़ी सहायक नदी है गोदावरी की, ये नोट कर लेना। चूँकि वेनगंगा और पेनगंगा इसी में मिलती हैं, प्राणहिता में मिलती हैं आकर के, तो सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये नोट कर लेना, कैसी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। अगला पॉइंट है अमरावती, भवानी और काबिनी, तीनों नदियाँ हैं जी, इसकी दूसरी क्लास लाऊंगा मैं, तीसरी भी लाऊंगा, और ये वीडियोस आप देख लेना, शेयर कर देना दोस्तों और मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को, इससे बाहर नहीं जाएगा आपका प्रश्न, डिटेल में बिल्कुल मत पढ़ना, मैं आपसे कह रहा हूँ, नोट लिख लेना, लिख करके दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, दो डिटेल्स में पढ़ने की आवश्यकता कहीं पर भी नहीं है, इन्हीं क्लासों को आप देख लेना, क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा यहाँ से, ठीक है। तीन नदियाँ हैं, अमरावती, भवानी और काबिनी, कावेरी नदी की सहायक नदी है, कौन सी नदी की है, कावेरी नदी की सहायक नदी है, जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं और कर्नाटक से निकलती है। अगला पॉइंट हमने लिया है, कर्क रेखा को दो बार, कर्क रेखा को दो बार विभाजित करती है कौन सी नदी, माही नदी, जो कि कहाँ से निकलती है, एमपी से, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी माही नदी है जो एमपी से निकलती है। अगला प्रश्न लिया है, नर्मदा नदी दक्षिण भारत व उत्तर भारत को क्या करती है, विभाजित करती है ना। प्रश्न आ जाएगा भाई, भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत को विभाजित करती है, अलग अलग करती है, यानी कि बीच में बह रही होगी, सिंपल सी बात है, भारत के बीचों बीच बह रही होगी, तो बीचों बीच भारत के मध्य में भारत के एक ही नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, जो उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को अलग अलग करती है, ऐसे भी पढ़ते हैं ना, ये पॉइंट नोट कर लेना। आगे बात करते हैं, चंबल नदी जनपावा की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश से निकलती है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है, जनपावा की पहाड़ियों में मध्य प्रदेश से निकलती है चंबल नदी, है ना, जो कि यमुना में आकर के मिल जाती है कहाँ पे, इटावा में, यमुना से मिलती है, कौन सी जगह संगम होता है, इटावा, नोट कर लेना, ठीक है। ये अपने बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है ये नदी, बीहड़ों के लिए, है ना, चंबल नदी। अगली नदी है कपिली, मानस और तीस्ता,
और देहांग, ये चार नदी ली है मैंने, एक कपिली है, एक मानस, एक नदी है तीस्ता और एक नदी है देहांग। ये सभी चारों नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है, यानी कि ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं अलग अलग स्थानों पर। ठीक है, तो कौन सी नदी की सहायक नदियां, ये सभी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं ये सभी के सभी। ठीक है, ये नोट कर लेना। अगला पॉइंट है साबरमती लूनी, साबरमती और लूनी दोनों नदियां ले ली है मैंने, है ना। साबरमती तो आपने नाम सुना ही होगा, गुजरात में जाती है, लेकिन निकलती कहां से, राजस्थान से। लूनी भी राजस्थान से निकलती है, साबरमती भी राजस्थान से निकलती है, और राजस्थान में दोनों अजमेर के पास से निकलती हैं, अरावली की पहाड़ियों से, दक्षिण पश्चिम अरावली वाले हिस्से से निकलती हैं दोनों नदियां, है ना। कौन कौन सी, साबरमती और लूनी, अरावली की पहाड़ियों से कहां से निकलती हैं, राजस्थान से, राज्य लिखा है मैंने, राजस्थान से निकलती हैं, है ना, और दोनों अरब सागर में गिरती हैं, माफ कीजिए लूनी नहीं गिरती है, लूनी कच्छ के रण वाले हिस्से में जाती है, साबरमती अरब सागर में गिरती है गुजरात में बह करके, ये कच्छ के रण की तरफ चली जाती है। लूनी नदी को भूमि वंदित नदी या अदृश्य नदी या अल्पकालिक नदी लूनी नदी को कहा जाता है, जो कि नमकीन नदी या लवणीय नदी के रूप में फेमस है, और राजस्थान की या रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी, नोट कर लेना, है ना। कौन सी नदी है इन दोनों में से, लूनी। अगला पॉइंट है भारत में चंद्र और भागा, चंद्र और भागा ये लिख लेना, भारत में चंद्र और भागा के नाम से एक नदी जानी जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक नदी निकली कहीं से, जैसे मान लो मैं यहां पे बताऊं आपको, ये नदी निकली यहां से, अब यहां से निकलने के बाद एक धारा ऐसे चली गई इसकी और एक धारा ऐसे चली गई, तो एक धारा का नाम है चंद्र और एक का नाम है भागा। फिर दोनों जी जा करके आगे एक स्थान पर केलांग घाटी आती है, वहां मिल जाती है, और वहां मिलने के बाद फिर इस तरीके से एक धारा आगे बढ़ती है। तो कौन सी नदी की बात कर रहा हूं मैं, चिनाब की। ये कौन सी नदी है, चिनाब। चिनाब की उत्पत्ति बाड़ालाचा दर्रे से होती है, जो हिमाचल और कश्मीर की सीमा पर है। कहां पर है, हिमाचल और कश्मीर की सीमा पर। तो एक धारा को चंद्र बोलते हैं और एक धारा को भागा। तो ये कहां पर बहती हैं दोनों, चंद्र और भागा, ये मैंने पॉइंट लिया, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश। और कौन सी नदी है, ये चिनाब, लिख लेना। चिनाब नदी की ये धारा है, बाद में चिनाब नाम पड़ता है, पहले चंद्र और भागा के नाम से जानी जाती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है बाड़ालाचा दर्रे से, चिनाब नदी। ठीक है, अगला पॉइंट है मयूराक्षी नदी, सुनी होगी आपने, उड़ीसा में बहती है, बहुत प्रसिद्ध नदी है। ये संथाल वाले हिस्से में या संथाल जनजाति रहती है ना झारखंड में, एक जनजाति सुनी होगी आपने, संथाल जनजाति। संथाल वाले हिस्से में हिजला मेला लगता है इस नदी के तट पर, बहुत प्रसिद्ध मेला है ये झारखंड का। कौन सा मेला लगता है, हिजला मेला। तो मयूराक्षी नदी के तट पर हिजला मेला लगता है झारखंड में, कौन से वाले हिस्से में, संथाल वाले हिस्से में। कौन से हिस्से में, संथाल वाले हिस्से में, और संथाल वाले हिस्से से फिर ये उड़ीसा में आ जाती है। कौन सी जगह, उड़ीसा में आ जाती है। कौन सी नदी है, मयूराक्षी नदी, है ना। और इसी नदी पर उड़ीसा में बहती है जी, बहुत बड़े पैमाने पर उड़ीसा और आंध्रा की सीमा पर, है ना। मचकुंड परियोजना भी है, कौन सी है, मचकुंड परियोजना, इसे भी पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं दामोदर नदी, दामोदर नदी को प्रदूषित नदी के रूप में जाना जाता है। कैसी नदी, प्रदूषित नदी के रूप में जाना जाता है, और हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी हुगली में जाकर के मिल जाती है, हुगली की कैसी है, सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी है दामोदर नदी, है ना। और इसे प्रदूषित नदी किसने कर दिया है, कोयले की वजह से, क्योंकि भैया कोयले का उत्पादन होता है इसके आसपास, इस वजह से कैसी हो गई है, ये पॉल्यूटेड रिवर हो गई, यानी कि प्रदूषित नदी हो गई है दामोदर नदी। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, पहला पार्ट है हमारा नदियों का, समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके किसी को पूछ लेना, अपना सुझाव भी दे दीजिएगा अगर कहीं पे आपको दिक्कत लगी हो किसी को समझाने में या समझने में। अगला पार्ट और मैं बनाऊंगा नदियों का, उसमें मैं पूरा ख़त्म कर दूंगा, बिल्कुल दो पार्ट के अंदर आपका पूरा समाधान होगा, पूरा विश्लेषण होगा, पूरा निचोड़ होगा, एक तरीके से कंप्लीट क्लास होगी दो क्लासों में। अभी मैं नहीं कह रहा एक क्लास में, लेकिन इसमें भी मैंने कोशिश करी है बहुत इंपॉर्टेंट नदियों को लेने की। शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टेटस वगैरह आप अपने शेयर कर सकते हैं, हमारे इस चैनल का लिंक लेकर के। ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क हम आपके लिए सेवा कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, लगातार बढ़ाते रहिए चैनल को, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त भी रहिए और पढ़ते रहिए लगातार। चूंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको एक वर्दी लेनी है, यही समय और सही समय है, पूरी ताकत से लगे रहिए, क्योंकि
इस बार 2 महीने या जितना भी समय मिल जाए पेपर के लिए मेहनत आप कर लोगे तो जिंदगी भर उसी के आनंद लोगे आप, इसी 2-2.5-3 महीने की जिंदगी भर आनंद आएंगे पूरे 60 साल तक, है ना। तो रात में पढ़िए, दिन में पढ़िए, पूरा प्लानिंग से पढ़िए, लगातार पढ़िए और शेयर करते रहिए क्लास को, चैनल को। सभी स्वस्थ रहें, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, राधे राधे।